इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की दोनों हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर कल के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट करते चलें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात रऊफ बसमी से जानते हैं। रऊफ बसमी, बताइएगा, अहम केस की अहम समाअत थी और नोटिस भी जारी कर दिया है नैब को। बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जो एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में दोनों में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर कल के लिए नैब को नोटिस जारी किया है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर नोटिस जारी किए गए हैं और समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जब समाअत का आगाज हुआ तो नवाज शरीफ की हिफाजती दरख्वास्तों पर तो चीफ जस्टिस अमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और जैद के पर मुश्तमल दो रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नवाज शरीफ के वकला रोस्टम में आए अमजद परवेज और नजीर ताड़र रोस्टम पर आए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, जी अमजद परवेज साहब, तो अमजद परवेज ने कहा फाजी जमानत है, नवाज शरीफ की फाजी जमानत की दरख्वास्त दायर की है। इसके अमजद परवेज ने मतलब जाति फैसलों के हवाले भी किए। तो अदालत ने इस्तफार किया कि अभी मुल्जम का स्टेटस क्या है, तो आप कौन से केस का हवाला दे रहे हैं। इस पर वकील अमजद परवेज ने कहा, जब भी कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत मौका देती है, कभी भी नवाज शरीफ ने जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। इस मौके पर जो है अमजद परवेज ने कहा कि हाल ही में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को भी फांसी जमानत दी है। अमजद परवेज ने जो है अदालत के सामने आसमा जांगी का भी केस का भी हवाला दिया। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई थी। अदालत ने इस्तेफार किया नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ इस मौके पर नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आने दें, हमें कोई इतराज नहीं है। इसके साथ जो है समाअत कल तक के लिए जो मुलतवी कर दी गई है।